मूवी की शुरुआत में हमें स्कॉटलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़की काम पूरा होने के बाद घर लौटने लगती है, मगर घर पहुंचते ही उस पर हमला कर दिया जाता है। सरप्राइजिंगली हमलावर एक सीरियल किलर था, जो लड़कियों को मारकर बेरहमी से उनके बॉडी पार्ट्स काट दिया करता है। जिसके बाद हमें शिकागो का सीन दिखाया जाता है, जहां गैंग वॉर के दौरान काफी सारे ठग्स मर चुके थे। तो डिटेक्टिव डैन मजाक करने लगता है कि अगर ठग्स ऐसे एक दूसरे को मारते रहे तो जल्दी ये शहर क्राइम फ्री हो जाएगा, मगर उसकी बातें बाकी पुलिस वालों को पसंद नहीं आती है। जिसके बाद डॉन को उसका पार्टनर एक फाइल दिखाते हुए इन्फॉर्म कर देता है कि तुम्हें अब स्कॉटलैंड जाना होगा। जो बात सुनकर डैन काफी कंफ्यूज था, मगर फाइल को खोलते ही डैन दंग रह जाता है, क्योंकि 5 साल पहले वो ऐसे ही केस पर काम किया करता था, जहां शिकागो में एक किलर ने लड़कियों को मारकर उनकी बॉडीज बुरी तरह से काटती थी, और अब ऐसे ही केसेस स्कॉटलैंड में आने लगे, जिस वजह से अब डैन को वहां बुलाया जा रहा है। जिसके बाद हमें स्कॉटलैंड का पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, जहां पर पुलिस चीफ डैन की मुलाकात उसके न्यू पार्टनर से करवाने लगती है, जिसके साथ उसे इस केस में काम करना होगा। और ये आदमी इंस्पेक्टर ग्लेन था, जो डैन को सारा माजरा समझाते हुए इन्फॉर्म कर देता है कि कुछ दिनों पहले एबिगल मायर्स नाम की लड़की का खून कर दिया गया है, जो कि 5 साल पहले शिकागो में हुए खूनों से मैच किया करता है। मगर ये सब देखकर डैन को डाउट होने लगता है कि ये किलर कोई कॉपीकैट है। जिसके बाद ये लोग इंसिडेंट वाली जगह पर तहकीकात करने चले जाते हैं, जहां इन्वेस्टिगेशन करने पर उसका शक यकीन में बदल जाता है कि ये किलर कोई नौसिखिया है, जो शिकागो वाले किलर को कॉपी करके फेमस होना चाहता है। वहीं ग्लेन घर के बाहर पड़ोसियों पर नजर रखने लगता है, जहां एवरी नाम के पड़ोसी का बिहेवियर काफी अजीब था, तो ग्लेन उसके पास जाकर पूछताछ करने लगता है, मगर एवरी काफी अड़ियल था, जो उसे बिना कुछ कहे यहां से भगा देता है। तो वो बाकी पड़ोसियों से एवरी के बारे में सवाल करने लगता है, जिस पर एक ओल्ड लेडी उसे बता देती है कि एवरी बहुत घटिया आदमी है, जो अक्सर पड़ोसियों से लड़ता रहता है, यहां तक कि उसने कुछ दिन पहले एबिकल को मारने की धमकी भी दी थी। जो सब जानकर ग्लेन सीरियस हो जाता है, क्योंकि अब उसे एवरी को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना होगा। जल्द ही रात हो जाती है, जहां ग्लेन न चाहते हुए भी अपने घर लौट जाता है। वेल, ग्लेन की फैमिली सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है, जिस वजह से वो अपनी वाइफ के साथ टाइम बिताना नहीं चाहता है। वहीं दूसरी तरफ डैन पौआ चढ़ाते हुए बुक पढ़ने लगता है, इस बात से बेखबर कि वो सीरियल किलर एक्टिव हो चुका है, जो फिर एक लड़की के घर जाकर उसे बुरी तरह से मारने लगता है। जिसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां रोजाना की तरह ग्लेन अपने काम में लगा हुआ था, तो उसकी वाइफ मैरी उसे मनाने की कोशिश करने लगती है, मगर बंदा अपनी वाइफ पर जरा भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसकी नजर में मैरी एक धोखेबाज थी। वेल, 1 साल पहले इनका बेटा गुजर गया था, जिस वजह से इन दोनों के बीच दूरियां आने लगी थी। तो लेडी अपना गम दूर करने के लिए पड़ोसियों में खुशियां बांटने लगी थी, जो हरकत ग्लेन को पसंद नहीं आती है, और इसी वजह से इनका रिश्ता लगभग टूट चुका था। मगर अब मैरी अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती है, जो कुछ कह पाती उससे पहले ही ग्लेन को पुलिस स्टेशन से कॉल आने लगता है कि सीरियल किलर ने एक और लड़की का मर्डर कर डाला है। तो वह जल्दी से इंसिडेंट वाली जगह चला जाता है, जहां पर डैन पहले से मौजूद था। तो वह घर के अंदर जाकर तलाशी लेने लगते हैं। सरप्राइजिंगली दीवार पर सीक्रेट सिंबल्स बने हुए थे, जिन्हें देखकर डैन काफी ज्यादा सरप्राइज्ड है, क्योंकि ये सिंबल सैटानिक कल्ट को बिलोंग किया करते हैं। जो सब देखकर उसे यकीन हो जाता है कि ये किलर शिकागो वाला किलर तो नहीं हो सकता है, ये बस शिकागो वाले किलर की कॉपी किया करता है। जिसके बाद वो लोग एवरी को पकड़कर पूछताछ करने लगते हैं। सरप्राइजिंगली ये बंदा बहुत फटू था, जो जरा सा डराने धमकाने पर उन्हें बता देता है कि मैंने किसी का भी खून नहीं किया है। साथ ही वो मर्डर के दौरान अपनी एलिबाई को भी प्रूव कर देता है, जिसका सेकंड विक्टिम ग्रेस की मॉम से पूछताछ की जाती है, जो इन्हें इन्फॉर्म कर देती है कि मेरी बेटी बहुत अच्छी थी, जिसकी तो किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। मगर जाने से पहले वो ग्रेस के बॉयफ्रेंड की जानकारी इन्हें दे देती है। तो ग्लेन ग्रेस के बॉयफ्रेंड कॉलिन की जन्म कुंडली निकाल लेता है। सरप्राइजिंगली ये बंदा एक
क्रिमिनल है जो पहले भी कई बार जेल जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ डैन अपने प्रीवियस पार्टनर वॉकर से मिलने चला जाता है जो कि रिटायर होकर स्कॉटलैंड में सेटल हो चुका था। तो डैन को देखकर वॉकर काफी खुश है। जो लोग फिर बातें करते हुए अपनी पुरानी यादों को ताजा करने लगते हैं, जिससे इनकी बातों से हमें पता चल जाता है कि 5 साल पहले शिकागो में मारी गई लड़कियों में डैन की वाइफ सैरा भी शामिल थी और इसी वजह से डैन किलर को ढूंढकर उसे ऊपर पहुंचाना चाहता है। तो वॉकर उसे एडवाइस देने लगता है कि तुम्हें इस केस को भूलना होगा क्योंकि इस केस को सॉल्व करने के चक्कर में तुम खुद को बर्बाद कर बैठोगी। जिस पर डैन मजाक बनाने लगता है कि मैं ऑलरेडी बर्बाद हो चुका हूँ, इससे ज्यादा बुरा मेरे साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ग्लेन सेकंड विक्टिम की बॉयफ्रेंड से मिलने चला जाता है। ऑब्वियसली वो इस बंदे से पूछताछ करना चाहता था मगर ये बंदा कुछ ज्यादा ही अड़ियल है जो बिना लॉयर के पुलिस के साथ बात करना नहीं चाहता है। तो उसे फॉर्मली पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। तो वो बंदा इन्हें क्लियर कर देता है कि मैंने किसी का भी खून नहीं किया है। साथ ही बंदे के पास स्ट्रॉन्ग एलिबाई मौजूद है जिसकी वजह से पुलिस वालों को उसे आजाद करना पड़ता है। मगर अब तक डैन को कॉलिन पर शक हो चुका था कि हो ना हो ये बंदा इन किलिंग्स से जुड़ा हुआ है। तो वो कॉलिन की जानकारी वॉकर से निकलवाने लगता है। सरप्राइजिंगली ये बंदा एक डेमोनिक कल्ट को बिलोंग किया करता था और इस कल्ट के सिंबल उन्हीं सिंबल से मैच खाया करते जो डेड बॉडीज के घर पर छोड़े गए थे। तो ग्लेन कुछ सोचकर उस कल्ट चला जाता है जिसका पार्ट कॉलिन हुआ करता था। मगर इस जगह आकर ग्लेन को बैड फीलिंग्स आने लगती हैं, मानो ये लोग उसे मारना चाहते हैं। तो कल्ट का लीडर उसे इन्फॉर्म कर देता है कि अगर तुम खूनी की तलाश कर रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो बात सुनकर ग्लेन काफी ज्यादा अपसेट था मगर फिर भी वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें ग्लेन का घर दिखाया जाता है जहाँ मैरी ने ग्लेन और उसके दोस्तों को डिनर पर बुलाया हुआ था। तो डिनर के दौरान डैन और वॉकर उन्हें समझाने लगते हैं कि तुम्हें पास्ट को भूलकर न्यू लाइफ की शुरुआत करनी चाहिए। सरप्राइजिंगली उनकी बातें इस कपल को छू जाती है जो अब न्यू लाइफ की शुरुआत करना चाहते थे। जिसके बाद फर्स्ट विक्टिम के पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है। सरप्राइजिंगली एक लेडी कॉलिन को पहचान लेती है कि ये बंदा लड़कियों का पीछा किया करता है, साथ ही इसे कई बार एवरी के घर के पास देखा गया था। जो बात सुनकर पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि कॉलिन ही सीरियल किलर है। जिसके बाद पुलिस कॉलिन पर नजर रखने लगती है मगर कॉलिन कुछ ज्यादा ही चालू था जो पुलिस एक्टिविटीज की भनक लगते ही यहाँ से भागने लगता है। ऑब्वियसली उसका पीछा किया जाता है मगर ग्लेन भी तगड़ा रेसर था जो जैसे तैसे करके इस बंदे को कैप्चर कर लेता है। मगर पकड़े जाने से पहले कॉलिन अजीब सी स्माइल देने लगता है जैसे उसे पकड़े जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद हमें ग्लेन का घर दिखाया जाता है जहाँ पर ग्लेन को न जाने क्यों बैड फीलिंग्स आने लगती है, मानो कुछ बुरा होने वाला हो। तो वो जल्दी से अपनी वाइफ की तलाश करने लगता है मगर उसे काफी ढूंढने पर भी मैरी नजर नहीं आती है। तो वो अपनी वाइफ के फोन पर कॉल करने लगता है। सरप्राइजिंगली उसकी वाइफ का फोन घर में ही मौजूद था। तो वो रिंगटोन की आवाज सुनकर फोन की डायरेक्शन में चला जाता है मगर वो ये देखकर दंग रह जाता है कि सीरियल किलर ने उसकी वाइफ का खून कर डाला था। जल्द ही पुलिस यहाँ आ जाती है मगर अब ग्लेन पूरी तरह से टूट चुका था जो अब कैसे भी करके उस किलर को ठिकाने लगाना चाहता है मगर ये काम काफी मुश्किल था। तो वह कुछ सोचकर डैन के दोस्त वॉकर के पास चला जाता है मगर ये लोग बातें कर पाते उससे पहले ग्लेन को चीफ का कॉल आने लगता है क्योंकि पुलिस को अब तक उसकी वाइफ की आधी डेड बॉडी मिल चुकी थी। तो वो लोग जल्दी से वहां पर चले जाते हैं मगर अपनी वाइफ की आधी कटी हुई डेड बॉडी देखकर ग्लेन की सनक जाती है जो अब कैसे भी करके कॉलिन को मारना चाहता है क्योंकि उसकी नजर में कॉलिन एक हत्यारा था। वहीं दूसरी तरफ कॉलिन को इंटेरोगेट किया जाता है मगर कॉलिन इस बात को मानना ही नहीं चाहता था कि उसने किसी का भी खून किया होगा। साथ ही वो इन लोगों के सामने मजाक करने लगता है कि असल में मैं उस सीरियल किलर को जानता हूँ, वो बंदा एक अमेरिकन फॉरनर है जो 5 साल पहले मुझे बार में मिला था। जो बात सुनकर चीफ उस फॉरनर की जानकारी निकलवाने लगती है मगर वो डिटेल्स पूरी बता पाता उससे पहले ही ग्लेन यहाँ आ जाता है जो अब कॉलिन को मारना चाहता है
मगर जैसे तैसे करके उसे शांत करा दिया जाता है। साथ ही पर्याप्त एविडेंस न होने के कारण कॉलिन को भी आजाद करना पड़ता है, जो वह जानकर ग्लेन काफी ज्यादा अपसेट है, जिस पर डैन उसे तसल्ली देने लगता है कि तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, जल्द ही वो कातिल पकड़ा जाएगा। मगर अब ग्लेन कैसे भी करके कॉलिन को मारना चाहता है, क्योंकि सभी सबूत उसके खिलाफ थे। ऑब्वियसली कॉलिन एक किलर है, मगर डैन उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि जिस दर्द से तुम गुजर रहे हो, उस दर्द से मैं भी गुजर चुका हूँ, क्योंकि सैरा क्रिस्टीन मेरी गर्लफ्रेंड थी, जिसे 5 साल पहले बेरहमी से मार दिया गया था। तो ये सब जानकर ग्लेन काफी कंफ्यूज है कि पुलिस वाले सैरा का केस उसी के बॉयफ्रेंड को सॉल्व करने कैसे दे सकते हैं, जिस पर डैन उसे क्लियर कर देता है कि मेरा रिलेशन बिल्कुल सीक्रेट था, जिसके बारे में मेरे पार्टनर वॉकर के अलावा किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। तो हमें इनकी बातों से वाइब्स आने लगती हैं कि वॉकर ही वो किलर हो सकता है, क्योंकि कॉलिन तो एक कॉपीकैट किलर है जो शिकागो वाले किलर की कॉपी करके काम किया करता है। वहीं दूसरी तरफ कॉलिन लड़कियों को ताड़ते हुए खुश होने लगता है, मगर उसे जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था कि आज कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि बाहर जाते वक्त उस पर हमला कर दिया जाता है। सरप्राइजिंगली हमलावर शिकागो किलर था, जो अपने कॉपीकैट को जान से मारना चाहता है, क्योंकि कॉलिन की हरकतों से असली किलर को डर लगने लगा था कि जल्द ही वो एक्सपोज हो जाएगा। तो अब वो कॉलिन को मारकर सच छुपाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ ग्लेन को चीफ इन्फॉर्म कर देती है कि कल से कॉलिन गायब है। जो बात सुनकर ग्लेन को बैड फीलिंग्स आने लगती हैं, तो वह जल्दी से कॉलिन के घर चला जाता है। सरप्राइजिंगली कॉलिन के शेड में उसी की डेड बॉडी मौजूद थी, जिसकी बुरी हालत देखकर ग्लेन की चटक जाती है, क्योंकि अब वो डाउट में पड़ चुका था। जल्द ही बाकी पुलिस यहाँ आ जाती है, जिन्हें घर की तलाशी लेने पर एक सीक्रेट रूम नजर आ जाता है, जिसमें काफी सारे आर्टिकल्स लगे हुए थे, और इन्हीं आर्टिकल्स में एवरी और ग्रेस की फोटोज भी मौजूद थी, जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि कॉलिन असल में कॉपीकैट किलर है, जो इन सभी लड़कियों का खून करना चाहता था। मगर इन आर्टिकल में उन्हें मैरी की फोटो नजर नहीं आती है, यानी कॉलिन ने मैरी का खून नहीं किया था। जो सब जानकर ग्लेन काफी कंफ्यूज है, तो डैन उसे क्लियर कर देता है कि पहले दोनों खूनों को कॉलिन ने किया होगा, क्योंकि उनका पैटर्न शिकागो वाले मर्डर्स से बिल्कुल अलग है। मगर तुम्हारी वाइफ मैरी और कॉलिन को बिल्कुल उसी तरह से मारा गया है, जैसे शिकागो वाले विक्टिम्स को बेरहमी से मारा गया था। यानी कॉलिन असल में कॉपीकैट है, जो शिकागो वाले किलर की कॉपी करके खून किया करता था। जो भी हो, कॉलिन और शिकागो किलर एक दूसरे को जानते होंगे, और इसी वजह से कॉलिन का खून किया गया है। ऑब्वियसली किलर कॉलिन को मारकर अपनी पहचान छुपाना चाहता है, मगर अब ग्लेन काफी कंफ्यूज था कि शिकागो किलर ने उसकी वाइफ का खून क्यों किया होगा, उसका तो इस सब से कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। जल्द ही उन्हें एहसास हो जाता है कि मैरी प्रोबेबली उस किलर को जानती होगी, तो वो लोग जल्दी से कॉलिन और मैरी के कॉन्टेक्ट चेक करने लगते हैं, क्योंकि कॉलिन बयान के हिसाब से उसे शिकागो मर्डर्स के बारे में एक अमेरिकन फॉरेनर ने बताया था। जल्द ही डैन को इन्वेस्टिगेट करते हुए एक फोटो मिल जाती है, जिसे देखकर डैन काफी ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि इस फोटो में कॉलिन और वॉकर एक साथ खड़े हुए थे। यानी वॉकर ही वो फॉरनर है जिसने शिकागो मर्डर्स के बारे में कॉलिन को बताया होगा। तो डैन वॉकर को कांटेक्ट करके उसे अपने पास बुला लेता है। ऑब्वियसली वो सच को जानना चाहता है, मगर वॉकर के आते ही डैन उस पर गन तान देता है, जो सब देखकर वॉकर काफी ज्यादा सरप्राइज था। और अब गाइज मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि डैन वॉकर को एक्यूज करने लगता है कि तुम्हारी वजह से सैरा मारी गई थी, जिस पर वॉकर काफी हैरान है, क्योंकि वो तो सीक्रेटली सैरा को पसंद किया करता था। तो डैन उसे टॉन्ट करने लगता है कि अगर तुम्हारा सैरा के साथ अफेयर न चल रहा होता, तो मुझे उसका खून नहीं करना पड़ता। जो बात जानकर वॉकर की पूरी तरह से चटक जाती है, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि शिकागो किलर असल में उसका दोस्त डैन है। तो वो डैन से सवाल करने लगता है कि तुमने सैरा को मारने के बाद चार और लड़कियों का खून क्यों किया था, साथ ही उनके बॉडी पार्ट्स काटे क्यों गए थे, जिस पर डैन
टॉन्ट करने लगता है कि तुम मेरे और सैरा के रिलेशन के बारे में पहले से जानते थे, जिससे मेरा एक्सपोज होना तय हो चुका था, तो मुझे तुम्हें और पुलिस को मिसलीड करने के लिए चारों लड़कियों का खून करना पड़ा। और रही बात बॉडी पार्ट्स काटने की, वो तो मौज मस्ती के लिए काटे गए थे। तो ये सब जानकर वॉकर पूरी तरह से टूट जाता है, मगर डैन उसे मौका दिए बिना गोली मार देता है। और इसी वक्त तक ग्लेन यहाँ आ चुका था, तो डैन उसे क्लियर कर देता है कि यही बंदा वो फॉरनर है जिससे कॉलिन को शिकागो मर्डर्स के बारे में पता चला होगा, और यही बंदा शिकागो किलर है जिसने तुम्हारी बीवी का खून किया होगा। तो ग्लेन ये जानकर पूरी तरह से टूट जाता है, मगर वॉकर मरने से पहले कन्फेस कर देता है कि असली कातिल मेरे बजाय डैन है, क्योंकि मैं और सैरा एक दूसरे को पसंद किया करते थे, तो मैं अपनी लवर को जान से कैसे मार सकता हूँ। जुबा सुनकर ग्लेन को सब कुछ समझ आ जाता है, तो वह जल्दी से डैन का पीछा करने लगता है, जिससे लोगों के बीच तगड़ी कार चेस चालू हो जाती है। मगर डैन कुछ ज्यादा ही चालू था, जो गाड़ी रोककर उस पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे ग्लेन की कार एक जगह पर ठुक जाती है। और अब ग्लेन काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, तो डैन उस पर गन तान कर टॉन्ट करने लगता है कि मैं तो बस कॉपीकैट किलर को मार कर वापस जाने वाला था। जिस पर ग्लेन सवाल करने लगता है कि तुमने मेरी बीवी का खून क्यों किया था, तो डैन उसे क्लियर कर देता है कि तुम्हारी वाइफ धोखेबाज थी, जिसे सजा के तौर पर मौत दी जानी चाहिए। यकीन मानो ग्लेन, मैंने तुम पर एहसान किया है। जुबा सुनकर ग्लेन की पूरी तरह से सनक जाती है, मगर डैन उसे नॉकआउट करके यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद डैन को पूरी दुनिया भर में ढूंढा जाता है, क्योंकि अब ये केस इंटरनेशनल केस बन चुका था। मगर काफी ढूंढने के बाद भी डैन किसी के भी हाथ नहीं आता है, क्योंकि जो भी हो डैन जीनियस मास्टरमाइंड है, जो इतनी आसानी से किसी के भी हाथ नहीं आने वाला है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइज, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।